में जी सबसे पहला परिवर्तन तो ये आया कि जो एक डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड था मतलब जनरली रहता था उससे अपने आप को ठीक किया एंड फिर उसके बाद जैसे जैसे नाम में मतलब आगे बढ़ते गए तो अब sort ऑफ of एक ऑटोमेटिक ही होने लग जाता है मतलब जैसे मन को जैसे गुरुजी मन का एग्जांपल देते हैं ना कि भाई जिन है उसे बोलो खंबे पे चढ़ो उतरो वैसा ही लगने लगा है आपके बहुत वैसे तो पूरा लाइफ ही चेंज हो गया है महाराज जी का जो मतलब बैड हैबिट्स थी वो सारी छूट गई हैं लाइफ का गोल एकदम क्लियर हो गया कि क्या करना है क्या नहीं और बस उन्हीं के आशीर्वाद से आज यहाँ तक आ पाए पहली बार आए हूँ दर्शन करने सबसे बड़ी जो बात मुझे आकर्षित करते हैं वो है दान्यता महाराज जी का जो दान्यता है वो मतलब कुछ और ही स्तर पे ले जाता है बस ये बताऊँ क्या मुझे तो रोना आ गया था बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता महाराज श्री जी के बारे में हाँ जी हाँ जी बताऊँ कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले अरे बस ऐसा लग रहा है जैसे बस क्या होता कि एक आँख है ना तरश्री उन्हें देखने के लिए मैंने महाराज जी की एक वीडियो भी देखी थी जिसमें वो था ना दीक्षा के बारे में जी जी। तो महाराज जी ने बताया था कि ऐसे हमें दीक्षा नहीं लेनी चाहिए किसी से भी जैसे भीड़ को देख के या फिर अगर हम किसी उनके वो बोलकर वो देखते हैं तो ऐसे हमने लेन नहीं लेनी चाहिए भी प्रभु का नाम जब आप हजरत राधे राधे जी कहाँ से आया जी मैं न्यूजीलैंड से आया क्या करते हैं आप न्यूजीलैंड में जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बिजनेस एनालिस्ट का जॉब है मेरा वहाँ पे एम बैंक में जॉब करता हूँ मैं अच्छा। हाँ जी तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप जनवरी से सुन रहा हूँ जी जनवरी से सुन रहा हूँ तो तो बदलाव बदलाव आ रहा है जीवन में कुछ हाँ जी बहुत बदलाव आया तो आ, पिछले साल मेरी माँ का देहांत हुआ तो उसके बाद काफ़ी दुख हुआ तो फिर थोड़ा बहुत डिप्रेशन भी रहा लाइफ में फिर उसके बाद से जब महाराज जी के सत्संग सुनने शुरू किए तो वो चीज़ की पुष्टता समझ में आ गई कि ये पैसा वगैरह ये सब सुख साधन बहुत हैं वहाँ पे विदेश में हमारे पास पर वो किसी काम के नहीं है तो फिर उसके बाद अब ये और ज़्यादा सुनते हुए सुनते ये समझ में आने लगा कि भाई असली चीज़ क्या है और नाम थोड़ा बहुत पहले लेते थे जैसे राम जी का नाम ले लिया कृष्ण जी का नाम ले लिया राधा जी का पर उसकी महिमा इनसे महाराज जी से सुनने को मिली तब से ये हो गया कि भाई अब जो भी फ्री टाइम मिलता है उसमें नाम जप लेते हैं जितना हो पाता है उतना कर लेते हैं और बच्चे हैं छोटे हैं बच्चे मेरे दो उनको भी यही प्रेरणा देते हैं अब जैसे उन्हें स्कूल छोड़ना या कभी भी गाड़ी में लेके जाना तो उनके साथ नाम कीर्तन लगा लेते हैं ताकि वो भी कुछ अनाप शनाप बोलने की बजाय नाम बोले अब जैसे बेटी है वो दो साल की है वो वो बोलती है राधे राधे है तो बड़ा अच्छा लगता है उससे हाँ जी तो स्टार्टिंग में महाराज जी का कैसे परिचय मिला आपको यूट्यूब के थ्रू ही मिला मेनली तो वीडियोज़ आए फिर जैसे नाम जब के ही कुछ कुछ वीडियोस सबसे पहले आए जो थोड़े पुराने होते थे उससे वे महिमा जानने को मिली फिर एक बार जैसे कहते हैं मतलब हमारी आईटी भाषा में के हुक हो गया तो वो हुक लग गया फिर एकांतिक सुनने लगे और लंबे सत्संग जो होते हैं वो सुनने लगे तो फिर ऐसा लगने लगा कि वो मेरे क्वेश्चन का ही आंसर बता रहे हैं कि मतलब एक कनेक्ट होना महसूस हो जाता है उनसे तो उससे फिर बहुत मतलब अच्छा लगा उनसे उनकी सारी चीज़ें सुन के और शास्त्र का एग्ज़ाम्पल भी जैसे देते हैं अब हमें पता तो है कि भागवत होता है कुछ पर कभी ना तो पढ़ा है ना कभी सुनने की कोशिश की तो उस वो सब एग्जाम्पल सुन के अपनी लाइफ में लगा के जैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देते हैं मतलब आज कलयुग के हिसाब से वो बहुत रिलेटेबल लगता है तो बहुत अच्छा लगता है वो सब सुन के हाँ जी।, जी, जी तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं डेली लाइफ में जी सबसे पहला परिवर्तन तो ये आया कि जो एक डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड था मतलब जनरली रहता था उससे अपने आप को ठीक किया एंड फिर उसके बाद जैसे जैसे नाम में मतलब आगे बढ़ते गए तो अब शॉर्ट sort ऑफ of एक ऑटोमेटिक ही होने लग जाता है मतलब जैसे मन को जैसे गुरु जी मन का एग्ज़ाम्पल देते हैं ना कि भाई जिन है उसे बोलो खंभे पे चढ़ो उतरो hmm. वैसा ही लगने लगा है आपके भाई वैसा ही हो जाता है और नहीं तो पहले ही ऐसा लगता था कि किसी चीज़ के बारे में सोचते थे तो बस नेगेटिव थिंकिंग में ही हम फंसे जा रहे हैं बार बार तो वो टाइम जो है वो अब नाम में यूज़ हो जाता है तो उससे एक पीस ऑफ माइंड भी बहुत मिलता है तो फिर थोड़े से अपने नियम दिनचर्या भी ऐसे बना ली है कि भाई सुबह उठना है तो नाम जप करना है सोने से पहले नाम जप करना है जैसा ये गुरुजी ने शेड्यूल्स में बताया है सुबह उठने के नियम रात को सोने के नियम तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है और बाकी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अब बच्चे हैं वो छोटे हैं उन्हें ज़्यादा समझ नहीं है पर उनको ये पता है कि हाँ पीले कपड़े वाले बाबा जो हैं वो आते हैं पापा उनको सुनते हैं तो अब ये सारे चेंजेस हैं और पर्सनल लेवल पे मतलब प्रोफेशनल लेवल पे भी जैसे हमारी जॉब्स रहती हैं तो कभी कभी स्ट्रेसफुल हो जाता है जैसे डिलीवरी टारगेट्स मीट करने हैं और सब तो उसमें फिर यही लगता है कि भाई मतलब पहले होता था कि हम मैं कर रहा हूँ करता भाव वाली बात होती है अब ये लगता है कि भाई प्रभु ही कर रहे हैं प्रभु ही करेंगे जो भी करेंगे अपना बस एक एक कर्म जो है मतलब अपना बेस्ट एफर्ट हम दें वो चीज़ बहुत अच्छे से मतलब अब जीवन में आ चुकी है समझ अच्छे से हाँ जी तो न्यूजीलैंड जैसे सिटी रहकर भक्ति भक्तिमय जीवन पहले से था या जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग तब से शुरू हुआ थोड़ा बहुत भक्तिमय जीवन था वही न्यूजीलैंड में या इंडिया में इंडिया में भी न्यूजीलैंड में भी और बाकी परिवार मेरा वैसे हिमाचल के हैं तो वो लोग मेरे दादा दादी नाना नानी ना पंजाब के हैं तो वो सब काफ़ी धार्मिक रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में सत्संग से या भक्ति से जुड़े रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत था बाहर जाके ये ज़रूर हुआ कि भाई जैसे माया थोड़ी प्रबल रहती है वहाँ पे तो हम भी अब जैसे गए थे जैसे मुझे तेरह साल हो चुके हैं वहाँ पर रहते हुए तो पैसा कमाने गए थे तो पर फिर अब ये लगता है कि भाई हाँ बस बहुत हो गया तो एक कह लो कि जो पुराने संस्कार हमारे माँ बाप ने हमें दिए उसकी वजह से भी एक बहुत पुल है जी, जी. तो अब कोशिश यही रहती है कि वो पुल जो है वो छुटे ना और हम अपने बच्चों को भी वही पुल दें जी. और उनको भी मतलब किसी ना किसी तरह से जोड़ सकें ताकि मतलब बच जाएं बेसिकली कलयुग से हाँ जी तो न्यूजीलैंड में आपका दिनचर्या क्या है कब कब जी के सत्संग सुनते हैं आप जी न्यूजीलैंड में जैसे सुबह आठ से चार का मेरा ऑफिस टाइम रहता है जनरली उठ जल्दी जाते हैं पाँच साढ़े पाँच बजे उठ जाते हैं सुबह जी। फिर बच्चों को तैयार करना उनको स्कूल डे केयर अपना सब भेजना जी जी। तो गाड़ी में तो मैं जब भी होता है तो कोई ना कोई एक आंतिक लगा के चलता हूँ तो अब जैसे बच्चों को भी आदत पड़ गई है हरिवंश हरिवंश बोलते हैं बच्चे भी साथ साथ कुछ कुछ तो तब सुनता हूँ फिर शाम को सुनते हैं और बाकी अब जैसे कई बार ऑफ़िस के साथ साथ अपना लैपटॉप दूसरा खोल लिया ऑफिस वाले के साथ तो उस पर हेडफोन लगा के सुन लिया जब ये कि भाई अपना काम जब जब कोई डाउन टाइम है कुछ तो उससे एक दिन भर आपको जैसे एक मानसिक चोट लगती रहती है कि भाई हाँ ये इम्पोर्टेंट है नहीं तो एक वो डाउनवर्ड स्पाइरल में फंस जाता है बंदा जी। वो फर्क रहता है हाँ जी तो बाकी आ, जब थोड़ा टाइम निकल जाता है बच्चे वगैरह सो जाते हैं तो टी तो वी पर भी लगा के सुनते हैं फिर कि भाई क्या कह रहे हैं तो मतलब सब सारी डिस्ट्रैक्शन ऑफ करके हाँ जी तो आपको महाराज जी की सबसे क्या बात सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी के सत्संग डेली सुनते हैं आप जी सबसे बढ़िया बात तो है कि स्पष्ट बोलते हैं मतलब जैसे वो इंग्लिश में कहावत होती है बीटिंग अराउंड द बुश नहीं है कुछ भी जी। जो बोलेंगे साफ स्पष्ट बोलेंगे कि भाई ये चीज़ करनी है ये चीज़ नहीं करनी है और फिर दूसरी बात ये होती है कि मतलब इसको इंग्लिश में कहेंगे कि इंस्टेड ऑफ बीइंग आर्बिट्रेरी वो आपको एग्ज़ाम्पल देंगे और शास्त्र के हिसाब से देंगे कि भाई उस बुक में उस शास्त्र में ये लिखा है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए तो वो चीज़ें जो हैं और थर्ड चीज़ उसको फिर कलयुग के हिसाब से रिलेट करके बताते हैं एग्जांपल्स को जी, जी, तो उससे बहुत मतलब फायदा लगता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया बता रहे हैं मतलब दिल होता है कि सुनते रहो सुनते रहो हाँ जी तो वृंदन पहले कभी आए यहाँ पर नहीं जी पहले कभी नहीं आए पहली बार आए कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है जी आके तो अब तक बस सुना ही था मेरी माँ की भी इच्छा थी कि भाई कभी जाना तो जा नहीं पाए थे कभी तो आज अभी फैमिली के साथ आएगा मैं अकेला ही आया अभी अच्छा जैसे कि अभी महाराजी आने वाले तो अभी कैसा मन में कैसा हालचल हो रहा है अभी मतलब अच्छा लग रहा है काफ़ी तो कल सुबह आया था थोड़ा सा तो साइड से उन्हें देखने को मिला तो अभी बस वो भावुकता भी काफ़ी हो रही है उस चीज़ को लेके हाँ राधा राधे राधे वैसे राधे राधे कहाँ से आए सतना एम पी क्या करते हैं आप मैं जॉब करता हूँ अल्ट्राटेक सीमेंट में स्टोर इंचार्ज के रूप में अच्छा तो कितने महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं लगभग डेढ़ साल हो गया डेढ़ साल से लगातार सुन रहे तो जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग वैसे तो पूरा लाइफ ही चेंज हो गया है महाराज जी का जो मतलब बैड हैबिट्स हैं वो सारी छूट गई हैं लाइफ का गोल एकदम क्लियर हो गया कि क्या करना है क्या नहीं और बस उन्हीं के आशीर्वाद से आज यहाँ तक आ पाए पहली बार आए दर्शन करने के लिए और वैसे आ चुका था अंदर तो उनसे नहीं दर्शन सुन हो पाया था तो आज मतलब बहुत खुश कम से कम इतना दर्शन मिला जी तो स्टार्टिंग में महाराज का सत्संग सुनना यूट्यूब के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू हुआ सोशल मीडिया के थ्रू यूट्यूब था और इंस्टा इंस्टा फेसबुक इसके -फे माध्यम से तो डेली सुनते महाराज जी का सत्संग जी जी डेली तो महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग डेली सुनते तो जो उन्होंने मतलब लास्ट में कहा कि लास्ट में कुछ जाता नहीं है और कोई याद भी नहीं करता किसी को इसलिए जो जितना है सब स्वार्थी हैं अपने लिए जीवन जियो और जितना हो सके सब अपने लिए करो बस बस इतना ही सही है और सच बताएं तो मतलब सब पता चलता है कि मतलब वाकई में सब स्वार्थी और कुछ नहीं क्लियर और चाहे कोई भी हो सब जिनका जिनका स्वार्थ जुड़ा सब मदद करते हैं और बाकी कोई किसी का नहीं है तो जितना ज़्यादा हो सके राधा नाम जप करो और अपना जीवन क्लियर करो बस तो महाराज जी के दर्शन लास्ट टाइम किए थे आपने नहीं अभी नहीं किया बस वैसे और वहाँ पे सड़क पे जो मिलते हैं दर्शन रोड पे वहाँ पे वहाँ पे किया था अभी क्या है कि साल में मेरा होता है पाँच छः दिन का टूर रहता है साल में मैं कोशिश करता हूँ कि पाँच छः दिन का समय निकाल के आ जाऊँ तो पिछली बार जब आया था तो इतना नहीं पता था तो अंदर जाके बैठ के थोड़ा सा ही देखा था बस और ज्यादा देख नहीं पाया और बल्कि अभी तो ये तीन चार दिन से कंटिन्यू आ रहा हूँ और ये आज गाड़ी है जाने का इसलिए आज लास्ट इ जाना है राधे 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 कहाँ से आए आप मैं वेस्ट बंगाल के नवद्वीप धाम है उसके पास ही जो कृष्णा नगर गाँव है वहाँ से आया है क्या करते हैं आप वहाँ पर मैं तो अभी मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है और मैं अभी जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं मैं लगभग एक साल से ऊपर हो गया महाराज जी को सुन रहा हूँ डेली सुनते हैं तो लाइफ में कुछ परिवर्तन आया जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना हाँ बहुत परिवर्तन आया है पहले तो मैं कोई भी नाम नहीं जपता था थोड़ा बहुत जो है मेडिटेशन करता था तो अब मैं रोज़ लगभग एक घंटे नाम जप करना शुरू किया है अच्छा हाँ और आपकी डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या परिवर्तन आया स्टाइल में जो मेन परिवर्तन आया है वो है जीवन में शांति आया है और दूसरा है जो सुबह उठते हैं और तीसरा जो है मांस मांस ये पहले खाते थे वो छोड़ दिया है अच्छा तो महाराज जी की क्या क्या बात है सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित सबसे बड़ी जो बात मुझे आकर्षित करते महाराज जी का जो है वो मतलब कुछ और ही स्तर पे ले जाता है पहली बार आ रहा ना यहाँ पर कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी महाराज जी आने वाले तो कैसा फील हो रहा है बहुत ही अच्छा फील हो रहा है पहली बार हम देखेंगे जैसे कि कोई बहुत ही दिल के करीब चाहने वाला को जो फर्स्ट देखता है उसका जो फीलिंग है वो जो वाय नहीं कर सकते हैं वैसा ही कुछ है राधे 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 कहाँ से आए सहारनपुर से क्या करते हैं आप मैं तो स्टडी कर रहा हूँ डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप छः महीने से सुन रहे हो छ महीने से सुन रहे छः महीने से तो आ, कुछ चेंजेस आ रहे जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग सुनना बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुका है व्यवहार भी चेंज हो चुका है ये गाली ग्लोज बहुत ज़्यादा करते थे दोस्तों में रह के तो वो भी उसमें बहुत सुधार आया है ठीक है और भक्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है महाराज श्री अच्छा। जी के दर्शन करके अच्छा हाँ जी आपकी डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं हाँ जी डेली लाइफ स्टाइल में एक तो दिनचर्या में परिवर्तन आ चुका है हाँ जी और जीवन में जो एक लक्ष्य प्राप्ति होती है उसके लिए बहुत परिवर्तन आ चुका है तो महाराज जी के सत्संग डेली सुनते हाँ जी डेली सुनता हूँ तो क्या क्या बात है महाराज जी की सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से सत्संग डेली सुनते हैं आप महाराज जी के बस ये जो अपने एक जीवन में कर्म अच्छा करें है ना और अपना भगवत प्राप्ति की ओर चलें और अपना कर्म करते हुए भगवत प्राप्ति भी करें अच्छा हाँ जी तो पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर नहीं मैं सेकंड टाइम आया दूसरे लास्ट टाइम कब आते हैं लास्ट टाइम मैं अभी दो महीने पहले आया था अच्छा तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज श्री के दर्शन किया तो कैसा लगा बस ये बताऊँ क्या मुझे तो रोना आ गया था मैं कुछ कहना चाहता महाराज श्री जी के बारे में हाँ जी हाँ जी बुक रहता कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले अभी बस ऐसा लग रहा है जैसे बस क्या होता कि एक आँखें ना तरश्री होने देखने के लिए राधे 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 कहाँ से है पटियाले से अच्छा रा क्या करते हैं आप वहाँ पर पर मैं स्टडी कर रहा हूँ अच्छा तो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं मैं बी एड थर्ड ईयर बी एड कर थर्ड ईयर तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हो जनवरी से दिख रहे हैं जनवरी से सुन रहे हैं। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आया जब से शुरू किया महाराज जी का सत्संग सुनना हाँ जी मतलब सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं जैसे और नाम जब करते हैं भगवान का और जैसे हम बाहर का जैसे छूट गया बिल्कुल ही दिल ही नहीं करते जैसे तुलसी माला डालते हैं तो चैंटिंग करते हैं धीरे धीरे सब छूट रहा है भी बस भगवान में घर पे ठाकुर जी विराजमान है उनकी सेवा करते हैं तो महाराज जी क्या क्या कहवाते हैं सबसे अच्छी लगती है आपको जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग डेली सुनते हैं पहले मैंने महाराज जी की एक वीडियो भी देखी थी जिसमें वो था ना दीक्षा के बारे में जी जी। तो महाराज जी ने बताया था कि ऐसे हमें दीक्षा नहीं लेनी चाहिए किसी से भी जैसे भीड़ को देख के या फिर अगर हम किसी उनके वो बोलकर वो देखते हैं तो ऐसे हमने ले नहीं लेनी चाहिए भी प्रभु का नाम जप आप भी प्रभु को पहले आप कहें कि अगर लाइफ में हमें अगर जरूरत पड़े दीक्षा की तो स्वयं आप हमें मार्गदर्शन दीजिए तो पहली बार आ रहे हैं ना पहली बार कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है राधे 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 नेपाल से आ, क्या करते हैं आप नेपाल में मैं ऑस्ट्रेलिया से नेपाल आया हूँ नेपाली हूँ ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ आई में जॉब करता हूँ अच्छा तो कितने महीने से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आठ नौ महीने से लगभग आठ नौ महीने से सुन रहे तो लाइफ में कुछ चेंजेस आए जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग सुनना बहुत चेंज आ गए समय वेस्ट नहीं होता है नाम जपते रहते हैं भगवत भगवत दर्शन का वो प्रयास करते हैं सब में आपकी रेल लाइफ स्टाइल में डेली लाइफ स्टाइल में सुबह जल्दी उठते हैं नाम जप करते हैं काम पे जाते वक्त सत्संग सुनते हैं आते वक्त भी सत्संग सुनते हैं घर पे बैठ के एकांतिक सुनते हैं फिर वो सभी सभी प्रश्नों का हल हो जाता है स्टार्टिंग में कैसे महाराज जी का परिचय मिला और कैसे इतना लगाव कैसे हो गया यूट्यूब में दो तीन भाई जी के सत्संग सुने थे फिर महाराज जी का दो दो वीडियो आ गया फिर महाराज जी के वीडियो देखने लगे फिर जो वो बोलते हैं हम आंतरिक बात हो गुड़ बात हो जी जी उसी से बहुत लगाव हो गया अच्छा फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे बहुत अच्छा लग रहा है नाम अपने आप अप जैसा हो रहा है जिस ज़्यादा कोशिश नहीं करना पड़ रहा है जिस बहुत सरल लग रहा है राधा राधे राधा राधे राधा राधे राधे कहाँ से आए मैं छत्तीसगढ़ से अच्छा क्या करते हैं आप अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चलो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे आठ नौ महीने हो गए आठ नौ महीने सुन रहे तो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग सुनना रहे हाँ बहुत चेंजेस आए हुए हैं क्या गज... बहुत ज़्यादा गुस्सा उस्सा करता था वो भी कम हो गया है और शांति भी सोच सोचने समझने की क्षमता भी थोड़ा सा अंदर से डेवलप हुआ है अच्छा तो महाराज जी की क्या क्या बातें है सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी के सत्संग डेली सुनते हैं वो बोलते हैं परेशानी तो आएगा उसके अनुसार अपने परिस्थिति को ढालना है करके ज़्यादा हाइपर नहीं लेना है करके तो सब सुख दुख लगे रहते हैं उसमें अपने आप को स्थिर रखना है करके अच्छा तो फर्स्ट टाइम आए ना हाँ कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी आने वाले तो कैसा फील हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है राधे 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 राधे